खेल के मैदान से। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शहरयार खान इंतकाल कर गए। खानदानी सराय के मुताबिक शहरयार खान तवील अरसे से लीन थे, आज लाहौर में इंतकाल कर गए। शहरयार खान की उम्र 99 बरस थी। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शहरयार खान की तदफीन कराची में हो गई। उनकी मैयत को आज कराची ले जाया जाएगा। शहरयार खान 2 मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे। शहरयार खान साबिक सफारतकार भी थे और सेक्रेटरी हाशा के अहदे पर भी फायज रह चुके हैं। पीसीबी और अमाद वसीम के दरमियान बर्फ पिघलना शुरू हो गई। ऑलराउंडर अमाद वसीम के रिटायरमेंट वापस लेने के इम्कान पड़ गए। सराय के मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने PSL के बाद भी दोबारा अमाद वसीम को फोन किया। शाहीन अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान को आपकी जरूरत है, हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान की तरफ से खेलें। जराय का कहना है कि कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज और अमाद वसीम के दरमियान रब्ता हुआ और दोनों ने रिटायरमेंट के मामले पर बातचीत की। अमाद वसीम ने चीफ सेलेक्टर से वर्ल्ड कप का प्लान पूछ लिया और साथ ही बेहतरीन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी यकीन दहानी मांगी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब स्पोर्ट बोर्ड की तश्कील नो और एडवाइजरी काउंसिल बनाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पोर्ट डिपार्टमेंट के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब साबिक सेनेटर परवेज रशीद, सूबाई वज़ीर इत्तला'आत उज़्मा ज़ाकिर बुहारी, सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब कोकर, MPA सानिया आशिक, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और दीगर हुकाम शरीक हुए। इजलास में स्पोर्ट एडवाइजरी काउंसिल बनाने का फैसला किया गया जिसमें साबिक खिलाड़ी और तुलबा मेंबर होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हदायत की कि खेलों के फरोग और ट्रेनिंग के लिए मुल्की और गैर मुल्की चार्जिस की खिदमत हासिल की जाएंगी।